भरतपुर संभाग के 3 सांसद रहे धौलपुर दौरे पर। करौली धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया, भरतपुर की सांसद रंजीता कोहली और टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया शामिल। चित्तौड़गढ़ में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक की गई आयोजित, जन समस्याओं का हुआ निराकरण। गंगापुर सिटी के छोटी उदयी विचार मंच की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह किया गया आयोजित, मेधावी बच्चों का हुआ सम्मान, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने युवाओं ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 119 अधिकारियों के हुए तबादले, देर रात जारी किया गया आदेश, बीते दिनों से बड़े पैमाने पर तबादलों का दौर जारी। झालावाड़ में संभागीय आयुक्त ने आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश, मिनी सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई का किया गया आयोजन। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत शादी में 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया उद्घाटन और शिलान्यास, विकासात्मक कार्यों पर दिया जोर। राजस्थान में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान का पहला चरण 26 अगस्त को प्रदेश के 66,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श के प्रति जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे आयोजित। राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर द्वारा राज्य स्तरीय संस्कृत सप्ताह 21 से 28 अगस्त 2023 तक किया जाएगा आयोजित, संस्कृत संवर्धन संबंधी कार्यक्रम होंगे आयोजित। उदयपुर में श्री जैन श्वेतांबर महासभा के तत्वावधान में तपागच्छ की उद्गम स्थली आयड़ तीर्थ पर शंखेश्वर पक्षीघर का हुआ उद्घाटन, साध्वियां रहीं उपस्थित। जयपुर में पुरानी पेंशन योजना की विसंगतियों के विरोध में ओल्ड पेंशन संघर्ष समिति के तत्वावधान में 1 माह से चल रहा है आंदोलन, अजमेरी गेट से महारानी कॉलेज तक किया गया विरोध प्रदर्शन। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में 11 सूत्री मांगों को लेकर 18 दिन से चल रहा नर्सेज का आंदोलन जारी, नर्सेज ने 2 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। जयपुर के भाइयों की स्थानीय आध्यात्मिक सभा ने अनूठे अंदाज में मनाया स्वतंत्रता दिवस, 151 पौधे रोप कर दिया पर्यावरण की रक्षा का संदेश। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षण उत्कृष्टता पुरस्कार की हुई शुरुआत, राजस्थान के उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को पहचान देने के लिए पुरस्कार शुरू करने की गई पहल। प्रदेश भर में दस्त रोग नियंत्रण पखवाड़ा शुरू, 31 अगस्त तक चलने वाले पखवाड़े के तहत छोटे बच्चों को दस्त रोग के प्रति जागरूकता गतिविधियां की जाएंगी आयोजित। और ओडिशा के भुवनेश्वर में चल रही राष्ट्रीय सब जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में उदयपुर के निजी स्कूल के छात्र युग चेलानी ने जीता स्वर्ण पदक, 400 मीटर फ्री स्टाइल में लहराया परचम।